यह कहानी है झकझोरने वाली, आपके अंतर मन को अंतर द्वंद तक ले जाकर तोड़ने वाली। यह कहानी है मैरियाने की, जिसने एक साथ दो जिंदगियां जी हैं। इस गेम में आपको एक अनयूजुअल सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए मिलेंगी, जो एक नहीं बल्कि दो दो रियलिटी के साथ आपका सफर कराएगी। गेमिंग के पूरे हिस्ट्री में इस तरह का गेम आज तक नहीं बना है। यह गेम एक साइकोलॉजिकल हॉरर है, जो पोलैंड में 1999 पे बेस्ड है। मैरियाने एक अनाथ लड़की, जो अभी अपने फॉस्टर फादर के लास्ट रेस्पाइट के लिए आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं द मीडियम, एक साइकोलॉजिकल हॉरर की कंप्लीट स्टोरी ज़ोडेक्स गेमिंग के साथ। It all starts with a dead girl. बदहवास लड़की जंगल में अकेली किसी से बचकर भागती हुई। आगे कोई रास्ता नहीं और पीछे एक मौत का साया। डेफिनेटली एक डरावनी शुरुआत। Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. मैरियाने उसी सपने के बारे में बता रही है जो हमने अभी जस्ट देखा है। दो ग्लास, यानी जरूर यह अपनी कहानी किसी ना किसी को सुना रही है। It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. यानी इससे बहुत ज़्यादा भी कुछ मैरियाने की ज़िंदगी में होता आया है। No wonder people used to think I was strange. आखिर क्या है जो हम अभी तक जानते नहीं है? That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. सच में किसी भी संतान के लिए अपने फादर के अंतिम यात्रा में जाना, इससे दुखद कोई भी चीज संतान के लिए हो नहीं सकती। यहां से द मीडियम की गेम प्ले की शुरुआत होगी। I was almost ready. I just had to find his special tie clip. मैरियाने कहानी सुना रही है
कि वो लगभग तैयार थी, लेकिन उसे अपने फादर की फेवरेट टाई और टाई क्लिप को खोज कर उनके पास जाना है। और ये अक्टूबर 1999 की कोई किताब जिसमें इसका शेड्यूल लिखा हुआ है, शायद वो शेड्यूल इसके फादर की है। Shit. Yeah. Nice to see you too. मुझे लगता है इस गेम में एक शानदार कैमरा वर्क डिजाइन किया गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें एक अनयूजुअल सिनेमाटोग्राफी देखने मिलेगी। ये शायद उसी बिल्ली की खाली खाने का डब्बा, आई थिंक ये उस बिल्ली की खाने की कैन है जो उस डब्बे में डाल देना चाहिए। उस डब्बे के पास जाकर उसमें कैट फूड को सेलेक्ट करके। Glad to see you're still kicking around. इंसान की जिंदगी में पेट एनिमल्स का एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। Can't believe it's all still here. Jack. I think ये उसके फादर की फोटोग्राफी रूम है और ये फोटो को क्लियर करने का तरीका हम लोगों ने भी पहले कैमरे में एक निगेटिव वाला कैमरा यूज़ किया है कभी ना कभी, और उस फोटो को साफ कराने के लिए हम लोग स्टूडियो में जाकर दिया करते थे बचपन में, वो कैमरे में से रील निकाल के हमें कैमरा वापस कर देता था। I guess I forgot about this one. और शायद इसी कैमरे के पेपर पे इसी तरीके से उसे साफ करता था। 5 सेकेंड का एल्यूमिनेशन होना चाहिए आई थिंक। दैट्स टू क्विक। हाँ, मैंने काफ़ी जल्दी कर दी। 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मिस्ड माय विंडो, नाउ इट्स ओवरएक्सपोज्ड। कुछ ज़्यादा हो गया, इस बार ध्यान दूंगा। एक, दो, तीन, चार और ये 5। आई थिंक अब परफेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, एक जो पेपर जो इल्यूमिनेटेड हो चुका है। मैंने साइंस में पढ़ा है एनसीईआरटी के बुक्स में कि सिल्वर आयोडाइड का एक लेयर होता है। 1, 2 और 3। 3 सेकेंड, थोड़ा सा आया है। 1, 2, 3। आखिर ये फोटो है किसकी? अंतिम लिक्विड 1, 2 और 3। This is the last photo I took of you, Jack. Shit. और जैक, इसके फॉस्टर फादर का अंतिम फोटो, एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाला मोमेंट। देखते हैं जैक के घर में और क्या क्या है। उस दिन का न्यूज़पेपर 5 नवंबर 1999, ये गेम बार बार याद दिला रहा है कि आप 1999 में हैं। डिजिटल कैमरा उस समय नहीं थी और ये सारे एप्पल्स जो रखे हुए थे वो शो करते हैं कि फादर का मौत बहुत ही अनप्रेसेंटेड कंडीशन में जल्दी हो गया है, असमय मृत्यु। Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. ये गेट अभी बंद है। आई थिंक मुझे कुछ और चीजों की तलाश करनी होगी। ये बाथरूम, इंटरेस्टिंग, 1984। यहां कुछ भी नहीं है। शानदार कैमरा वर्क बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। इस रूम में अभी तक मैं गया नहीं। ये रूम
Jack's room. It's like he never... ये रूम जैक का है. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. उसके फादर काफी सॉफ्ट हार्टेड और पूजा पाठ करने वाले. I used to think I'd never fit in, but Jack, he didn't mind my weirdness. He kept. बिल्कुल, एक अच्छे फादर की यही निशानी होती है कि वो अपने बच्चे की हर कमियों के बावजूद उसे बाहें खोल कर एक्सेप्ट करे. Jack was part of the solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. 1999 में भी पोलैंड अपने वॉर के हिस्ट्री के कारण एक सॉलिडेटरी मूवमेंट के लिए जाना जाता था. उसके फादर उसी में अपना रोल करते थे. डेफिनेटली एक जेनरस फादर की एक जेनरस बेटी. Weird to be back in my old room. So many memories. Yeah. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. अपनी बेटी के बचपन की यादों को संजो कर रखा हुआ फादर. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. मैरियाने ये बता रही है कि पहले वो आत्मा से भागती थी, लेकिन अब वो उनका सुनती है. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, "Pretty sick, huh?" I was such a dork. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. ये उसके बचपन के स्कूल की एक कंप्लेन है, जिसमें ये कंप्लेन किया गया है कि उनकी बेटी यानी मैरिया ने दूसरे लड़कों को उनके आत्माओं से बात कराती है. Fascinating. आई थिंक अब इस रूम में कुछ नहीं है. वापस से अपने फादर के रूम में जाकर देखते हैं क्या मिल सकता है. और ये क्या है? Come on, Jack, where'd you put it? Okay, let's do this the other way. उसके फादर के टाई के बैच का डब्बा जो खाली है, अब एक ये नई पावर मिल रही है देखने को. यानी कि मैरियाने ऑब्जेक्ट्स के आड़ पार भी देख सकती है. ये वही टाई का बैज जो मिल गया. ओके, आई थिंक दैट्स इट. जैक्स वेटिंग डाउनस्टेयर्स. टाइम टू से गुडबाय. अब नीचे जाने का वक्त आ गया है अपने फादर को अंतिम गुड बाय प्रणाम करने का.
We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. ये एक ऐसा समय है जो जब तक किसी पे गुजरेगी नहीं वो समझ नहीं सकता। मेरे फादर के लास्ट रेस्पाइट में जाने के समय मन में क्या उथल पुथल। जैक taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. और मन में कितने प्रकार की सोच आ रही होगी, बचपन का वो सारे यादें सामने आती हुई। लास्ट गुड बाय फ्यूनरल होम, जिसकी चाबी आई थिंक गेम के स्टार्टिंग से ही हमारे पास थी। जैक्स इन द प्रेप रूम। Weird. I don't remember locking it. The key should be in the office. तो जब मैरियाने ने इसे लॉक नहीं किया तो आखिर किसने इसे लॉक किया है? मैरियाने के फॉस्टर फादर का प्यार ऑफिस में भी दिखता हुआ, मैरियाने के फोटो को सामने रख कर फॉस्टर फादर ने अपना सारा काम किया है हमेशा। और अब भारी मन से प्रेप रूम में जाने का समय आ गया है। उस चाबी को अंदर में लगाकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आखिरकार Not sure if I'm ready for this. किसी भी बेटी के लिए सबसे मुश्किल बड़ा वक्त ये देखना इतना मुश्किल है तो ये करना तो वही टाई और टाई क्लिप दोनों को कंबाइन करना होगा और कंबाइन करके फॉस्टर फादर के ऊपर उनकी फेवरेट टाई स्नैज़ी यू वुडन्ट हैव इट एनी अदर वे डालकर उन्हें अंतिम रेस्पेक्ट देने का एक भारी समय आ चुका है। I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. Guess you're ready. But am I?
फॉस्टर फादर, आप तो तैयार हैं, लेकिन क्या मैं तैयार हूं इस समय के लिए? शायद कभी नहीं। लेकिन अचानक ये अंधेरा और बल्ब ऑन और ऑफ होते हुए एक आहट सी आ रही है, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक होने की शुरुआत। परछाई, अजीब सी परछाई, चारों तरफ अंधेरा, दरवाजे खुद से बंद होती हुई। You felt it too, huh? And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. अपने अंतर्द्वंद से जूझती हुई मैरियाने और ये डेलिरियम की ड्यूअल रियलिटी की शुरुआत। Where is that darn notebook? इस वीडियो के पार्ट टू में देखिए झकझोरने वाले कहानी का अगला हिस्सा, जो जरूर आपको इस ड्यूअल रियलिटी के बहुत करीब और एक अनदेखा गेमिंग हिस्ट्री का पहला ड्यूअल रियलिटी द मीडियम पार्ट टू के लिए ZOTX गेमिंग